समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के विशेष नेताओं के लिए अपने पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता घूरा राम सपा में शामिल हुए और अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। क्रांतिकारी कार्यक्रम के बारे में जानता हूं और इनको नौजवान बहुत मानता है, इस बात की खुशी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, इनके कार्यक्रम बहुत सारे रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसे राजधानी में इन्होंने मेट्रो चला दिया, जिसे लाखों लाखों लोगों को लाभ मिलता है और ये होता है साथियों इसका। पार्टी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर सरकार को घेरते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसानों की आत्महत्या करने की खबरें प्रदेश से लगातार आ रही हैं और देश के अलग अलग कोने से भी किसानों की आत्महत्या की सूचनाएं मिल रही हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से सरकार असफल हुई है। हत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़े हैं और फर्जी इनकाउंटर की सूची बहुत लंबी है। घूरा राम अखिलेश यादव से काफी प्रभावित दिखे और अखिलेश यादव का गुणगान करते नहीं थके। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे बलिया को सपा में शामिल करने का दावा तक ठोक दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि घूरा राम अपने दावों पर कितने खरे उतरते हैं और क्या सपा को अपनी खोई हुई जमीन वापस दिला पाते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री रहे घूरा राम शामिल हुए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है। इसी में अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें घूरा राम अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो पैसे की सरकार है, वो पैसे से टिकट देती है और वो किसी भी तरह का काम नहीं करती है। वहीं फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद रहे। उनका भी कहना साफ तौर पर यही है कि 2022 में हम अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वैसा काम कोई नहीं कर सकता। भाजपा पे कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव का कहना यह है कि भाजपा पार्टी लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, वो कहीं से भी किसी को जोड़ने का काम नहीं कर रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जो भी लोग इनके साथ आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आगे चलकर वो कैसा काम करते हैं। संदीप खे, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।